हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसे हमारे सर्दियों के फूलों का मौसम अब धीरे धीरे जाने वाला है, जैसे कि ये डेंथस है और गजानिया है, ये सब प्यारे प्यारे फूल हमारे अब धीरे धीरे मार्च तक चले जाएंगे। और इसीलिए अब हमको गर्मियों के फूलों की तैयारी थोड़ा करनी चाहिए, जिससे हम लोग पूरी गर्मियों अच्छे से फूल मिल सके हमें गर्मी के सीज़न वाले। तो उसके लिए हमें गर्मी के पौधे तैयार करने हैं, जैसे कि ये अपराजिता है। तो इसकी जैसे ये अपराजिता की ये ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर दी है, जिससे हार्ड टोनिंग कर दी, जिससे नई नई ब्रांचें, ये देखिए ये ब्रांच काटने से ये नई नई ब्रांचें निकल रही हैं उसमें। ये देखिए एक ब्रांच से तीन ब्रांच और निकली हैं, जिससे ये बहुत बुशी हो जाएगा, जिससे हमारे बहुत अच्छे अच्छे इसमें घने फ्लावर आएंगे। इस तरह से प्रूनिंग करना फरवरी में बहुत ज़रूरी है आगे अच्छे फूल लेने के लिए। और इसी तरह हम इसकी ये सदाबहार विंका है, इसमें भी जैसे बहुत लंबी लंबी जब हो जाती हैं 3-3 फीट की तो लटकने लगती हैं, तो इसकी भी प्रूनिंग करनी चाहिए हमको, कर दी है मैंने। और ये देखिए ये है मॉस लिली, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जब लंबी लंबी हो जाती हैं तो ये नीचे की तरफ जो हैंगिंग होने लग, बास्केट की तरह लटकने लगती हैं, तो इसलिए इसमें भी अच्छे से प्रूनिंग कर दे तो ये भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है और ज़्यादा। इसी तरह ये सदाबहार, इसकी भी प्रूनिंग कर दीजिए, इससे में अच्छी ब्रांचें और घने घने ब्रांचें हो जाएंगी और अच्छे से फ्लावरिंग होगी फिर बहुत अच्छी। और ये देखिए, ये देखिए हमारा ये गुड़हल, ये गुड़हल का इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए इसको भी जैसे ये देखिए कितने हार्ड प्रूनिंग की है मैंने, और इससे बहुत अच्छे ब्रांचें निकलेंगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फिर इस तरह से सारी इसकी हार्ड टोनिंग कर दी, प्रूनिंग करी। और अगर आप चाहें तो फरवरी में इसकी गुड़हल की हिबिस्कस की कटिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसमें नीचे गुड़ाई, ये देखिए नीचे मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए, जैसे इसमें गुड़ाई करने के बाद इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए, और गुड़ाई करने के दूसरे दिन खाद डालिएगा और फिर पानी डालिए, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें, गर्मियों में बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। इसी तरह ये देखिए सदाबहार में भी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए, करना है, और इसमें भी थोड़ा पानी डालना है। इसी तरह इसमें भी मॉस रोज में भी कर दीजिए, जिससे हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, मॉस रोज भी और ये सदाबहार भी बहुत हार्डी प्लांट है, अपने आप ही इनमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन और अच्छे से फ्लावरिंग हो, जिससे हमारे फ्लावर अच्छे अच्छे आए, इसमें थोड़ा साइज अच्छा हो जाए फ्लावर का, नहीं तो फिर बहुत छोटे छोटे आते हैं, और थोड़े अगर अच्छे से हम इसकी केयर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से साइज अच्छा आ जाता है फूलों का। और सब में गुड़ाई करने के बाद अच्छे से दूसरे दिन खाद डाल के उसमें पानी डाल देते हैं, तो जिससे बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट आते हैं इसमें, और हमें पूरी गर्मियों भर बहुत अच्छे फ्लावर मिल सकेंगे। और हम चाहें तो इसकी सदाबहार की भी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग लग जाती है ये, और इसमें मॉस रोज की इसकी भी चाहे तो कटिंग लगा सकते हैं आप, फरवरी में भी, नहीं तो उधर जुलाई में भी
तो सब जुलाई में तो सभी की कटिंग लग जाती है, लेकिन आजकल फरवरी में भी अच्छी कटिंग चल जाती है। तो अपने आप ही वैसे तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ा और बुशी और घना, तो इसी की जो प्रूनिंग करने के बाद जो निकलेंगी इसकी कटिंग, उसी से आप और इसको लगा के कटिंग और ज़्यादा लगा सकते हैं, तो और आपका अच्छा सा और घना प्लांट बन जाएगा और ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे। और इसी तरह इसमें सदाबहार की भी जो कटिंग निकलती है ऊपर से, इसी से इसकी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हार्ड ये प्रूनिंग करने के बाद ये गुड़हल वगैरह की, और उसके बाद उसकी कटिंग अगर हम लगा दें तो आजकल कटिंग लग जाती है और अच्छे से चल जाएंगे गर्मियों में, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। जैसे हमें सर्दियों में ये अच्छे अच्छे फ्लावर मिल रहे थे, ये गजानिया पिटूनिया पैंथस, उसी तरह अब गर्मियों में हमारे गुड़हल सदाबहार मौसरोज और ये अपराजिता वगैरह, ये सब हमको अच्छे प्लांट मिलते रहेंगे। राधे राधे, जय गुरुदेव।